Welcome everyone to our YouTube channel, that is Mathiji, and myself Shubham Kumar, and this is the fifth lecture of the inequalities. And in this lecture we will learn about the logarithmic inequalities. ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे तो logarithmic inequalities क्या होता है. हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, हम लोग rational पढ़ चुके हैं, irrational पढ़ चुके हैं, और बचा क्या है, logarithmic. ठीक है, ध्यान से देखिए, logarithmic को बहुत कोई log बोलता है. क्या बोलता है, log log. ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में log बोलता है, log टाइप के inequalities जो होता है उसको. ठीक है, देखिए logarithmic inequality पढ़ने से पहले हम इसको इसके बारे में थोड़ा जानना होगा. वैसे हम इसके बारे में पूरा बढ़िया से डिटेल में बात करेंगे फंक्शन का चैप्टर में. सेट्स लेसन फंक्शन जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग सारे को एकदम लाइन लाइन से बात करेंगे. लाइन लाइन से मतलब पूरा बढ़िया से डिटेल में बात करेंगे. लेकिन हमको थोड़ा सा बात हम बता देंगे लॉग के बारे में, छोटा छोटा बात बता देंगे, कुछ प्रॉपर्टीज बता देंगे इसके, कुछ थोड़ा सा फॉर्मूला बता देंगे. ठीक है ना, उसके बाद हम इसके ऊपर डील करेंगे, इसके ऊपर इनक्वालिटी सॉल्व करेंगे जितना आपको जरूरत पड़ेगा. ठीक है ना, देखिए लॉगरिथमिक इनक्वालिटी का हम लोग थोड़ा बात करते हैं. इसका दो केस होते हैं, देखिए दो केस देते हैं. पहला केस में क्या लिया, मतलब मान लेते हैं y इज इक्वल टू लॉग एक्स, एक लॉग एक्स बेस ए एक फंक्शन है. ठीक है ना, ये एक क्या फंक्शन है मान लेते हैं, इसको हम एक फंक्शन बोलते हैं. और दूसरा केस में क्या लिए, y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए, इसमें उल्टा हो गया, इसमें हो गया लॉग ए, हाँ लॉग ए बेस एक्स. हाँ ठीक है, ठीक है, दोनों में सेम चीज़ है, एक फंक्शन है, सेम फंक्शन है. लेकिन चेंजेस क्या है, ए का जो वैल्यू हम लोग लिए, क्या लिए, ए का जो वैल्यू यहाँ पर लेंगे वो ए का वैल्यू वन से बड़ा होगा. हम यहाँ पर क्या लिए, यहाँ पर याद रखिए, ये जो हम लोग बेस है ना, बेस हमेशा जो होता है, ए जो होता है हमेशा क्या होता है, वो जीरो से बड़ा होता है. क्या होता है, जीरो से बड़ा होता है, सॉरी जीरो से बोल रहे, वन से बड़ा होता है पहला केसेस में. और दूसरा केसेस में हम लोग क्या लिए, जीरो से वन का बीच में लिए, दूसरा केसेस लिए. मतलब यहाँ पर क्या होता है, पॉइंट में हो सकता है 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, समथिंग कुछ भी हो सकता है, या 1/2, 1/3, या 1/7, कुछ भी हो सकता है, या 2/3, 2/7, लेकिन उस कितना बीच में होना चाहिए, जीरो से वन का बीच में होना चाहिए. इधर वाला में, इधर वाला केस में, इधर वाला केस में क्या, वन से ज़्यादा हो, मतलब टू हो, थ्री हो, फोर हो, फाइव, लेकिन बेस वन नहीं होना सकता, बेस वन नहीं रह सकता. इक्वल टू देख लीजिए, इक्वल टू नहीं ना है तो वन नहीं ले सकते हम लोग बेस. ठीक है ना, तो ये दोनों कंडीशन ले लिए. डस्टर कहाँ, ये डस्टर, डस्टर छोड़ो, यहाँ से कमाल का काम चला लेते हैं. देखिए ज़्यादा बात बताना नहीं है, देखिए देखिए क्या है, देखिए इसका दो ग्राफ दिया हुआ. ग्राफ का मतलब क्या, देखिए ग्राफ का मतलब समझाते हैं. मान लेते क्या कोई एक, मतलब इसको अगर हम सॉल्व कर ले, ठीक है, ए का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन वन है. अगर मान लीजिए सॉल्व करें, क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक पॉइंट ले रहे हैं, ये पॉइंट लेते हैं x1, y1, क्या लेते हैं x1, y1. ठीक है ना, चलिए ये एक पॉइंट लिए. ठीक है ना, दूसरा पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर ले लेते हैं, चलिए दूसरा पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं, ये पॉइंट लिए, ये क्या लिए, x2, y2. ठीक है, एक पॉइंट लिए. ठीक है ना, ध्यान से देखिए, अब देखिए, अब हम पूछ रहे हैं ये x1 और x2 में दोनों में बड़ा पॉइंट कौन सा. देखिए मतलब बड़ा अगर x का बात करेंगे तो राइट साइड का बात करेंगे, तो राइट साइड में ज़्यादा क्या x2, तो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा, तो x2 से पहले हम लोग y2 के बारे में बात करते हैं. किस बारे में, y2 के बारे में बात करते हैं. y1 और y2 में बड़ा कौन है, y2 बड़ा है क्योंकि y2 ज़्यादा ऊपर है, ये y एक्सिस, ये y डैश, ये x डैश. ठीक है ना, अब देखिए बात करते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर देखिए, ये मैच किए है ना, इसे ग्राफ को देखते हैं. अब ये जो पॉइंट है, ये कौन सा है, ऊपर में ज़्यादा, मतलब y2 क्या है ऊपर में है, ये क्या है y1. ध्यान से देखिएगा, y2 इज ग्रेटर देन y1, यहाँ पर y2 इज ग्रेटर देन y1 है ना, यहाँ पर है y2 इज ग्रेटर देन y1 है. अगर y2 इज ग्रेटर देन y1 है पहला में, और x2 क्या है, x2 भी बड़ा है यहाँ पर, x2 भी बड़ा है x1 से, एंड y2 इज ग्रेटर देन y1, देयरफॉर मतलब इम्प्लाइज x2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन x1 है ना, y2 y1 से बड़ा है और x2 x1 से बड़ा है. अगर ऐसा होता है तो फिर ये जो ग्राफ जो बन रहा है, इस ग्राफ लॉग का जो ग्राफ बनेगा, इसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन. क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग, क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग. ठीक है ना, समझिए बात को, बस बता रहे इसका छोटा सा बात है. देखिए और होता है, अगर मान लीजिए, अगर क्या मान लेते हैं, अगर यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं, कहाँ पर, यहाँ पर पॉइंट लेते हैं, यहाँ लेते कुछ, यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ बोल लें, यहाँ लेते हैं x1, y1. ठीक है ना, यहाँ लेते हैं x2, y2, दो पॉइंट ले. ठीक है, चलिए
दो दो पॉइंट लिए, समझिए बात को, देखिए बेसिक से हम समझा रहे हैं, थोड़ा डीप में समझा रहे हैं लॉक को, ठीक है। इसको और भी अच्छा समझाएंगे क्या मतलब, उसको और डीप में लेके जाएंगे, तो उसमें ग्राफ कैसे बनता है, कौन ग्राफ कैसे वेरिएट करता है, वहाँ तक हम लेके जाएंगे, ठीक है ना। इसमें नहीं, फंक्शन जो आएगा इसके बाद, जो फंक्शन आएगा इनइक्वालिटीज में जितना काम है उतना ही बताएंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, यहाँ से क्या हो रहा है, देखते इसमें y1 y2 में देखते हैं, तो y1 y2 में कौन सा बड़ा है, y2 बड़ा है, तो यहाँ पर क्या y2 इज ग्रेटर देन y1 है ना, y2 इज ग्रेटर देन y1, ऊपर जो कौन है, ऊपर y2 है, ठीक है। दे मतलब इंप्लाइज, ये क्या इंप्लाइज कर रहा है, अब y2 इज ग्रेटर देन y1 है, अब x1 x2 में बड़ा कौन है, ज़्यादा राइट साइड में कौन है, x1 राइट साइड में, तो यहाँ पर x1 बड़ा हो गया किससे, x2 से। यहाँ क्या था, y2 greater than y1 था, और यहाँ पर x2 greater than x1 था, लेकिन यहाँ पर y2 greater than y1 है, लेकिन x1 greater than x2 हो गया। सोच रहे हैं ऐसा कब हो रहा है, जब बेस क्या है, डेसिमल में, किसमें, डेसिमल में, कब, कहाँ से, 0 से 1 के बीच में, मतलब इस टाइप का फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन, क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग इनइक्वालिटी, या डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। सोचिए बात, यहाँ से साइन चेंज होता है वो हम बताएंगे कैसे होता है, ठीक है, वो सब कराएंगे, ठीक है ना। तो इसके बारे में कुछ, इसका कुछ फॉर्मूला है, इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ है, वो हम बता दें, इसका लॉक का कुछ प्रॉपर्टीज़ जो आपको 10 प्रॉपर्टी आपको लिख लेना है, ठीक है ना, उसका यूज़ भी बता देंगे कैसे कैसे यूज़ कर रहे हैं। तब तक इसको नोट कर लिए, इसको याद रहेगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ है लॉगरिदम का, ठीक है ना, वो देख लेते हैं क्या है, हम लिख दिए बोर्ड पर, आपको नोट भी कर लेना, देखिए बढ़िया से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब बस समझा भी देते हैं क्या प्रॉपर्टी। देखिए मान लीजिए लॉग, मतलब देखिए लॉग वन बेस ए है, लॉग में कुछ भी है, ठीक है, लॉग वन है, क्या यहाँ पर क्या है, लॉग वन है, बेस में क्या, ए इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, मतलब लॉग वन का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, लॉग वन का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। बेस में आप कुछ भी रखिए, बेस में कुछ भी रखिए, लॉग वन का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, याद रखिए। लेकिन बेस में आपको क्या रखना होगा, क्या रखना होगा, ए की जगह पर कुछ नहीं रख सकते, क्या रख सकते हैं, ए का वैल्यू जो होगा वो जीरो से बड़ा होगा, मतलब जीरो से बड़ा लेंगे, जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव लेंगे, ठीक है ना, जीरो से बड़ा लेंगे, लेकिन वन नहीं ले सकते, जीरो से बड़ा वन नहीं ले सकते, क्यों, देखिए लॉग वन, अगर यहाँ वन लेंगे तो लॉग वन बेस वन, मतलब ए हो जाएगा सेम ए वैल्यू, देखिए ध्यान से, यहाँ वन लेंगे लॉग वन क्या हो जाता है, जीरो हो जाएगा, लॉग वन क्या हो जाएगा, जीरो, बेस वन हम लोग नहीं ले सकते, समझ में बात, ये बात ध्यान रखिएगा, मतलब बेस क्वांटिटी हम लोग जीरो नहीं ले सकते, ग्रेटर देन जीरो लेंगे, लेकिन जीरो इक्वल टू नहीं लेंगे, जीरो और वन भी नहीं ले सकते, ठीक है ना। ठीक है, ध्यान से, लॉग ए बेस ए ये क्या हो जाता है, वन हो जाता है, यहाँ भी ए का वैल्यू हम लोग जीरो नहीं ले सकते और वन भी नहीं ले सकते, ठीक है ना, क्योंकि जीरो से बड़ा लेंगे, ठीक है। ये प्रॉपर्टी देते हैं log m into n क्या हो जाएगा, log m प्लस log n, बेस क्या होगा, सेम a a a a, e है बेस तो e भी रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। log m by n तो log m माइनस log n, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना, इसे फॉर्मूला याद रखिएगा। log बेस a m का पावर n, तो पावर जो है उठ के इधर बाहर आ जाता है, तो n log a बेस m, ये चीज़ यहीं रहेगा, यहाँ पर बस n जो है बाहर आ जाता है, उठ के मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है ना, सिंपल सा बात है। ये प्रॉपर्टीज है लॉग का, लॉगरिदम हम करेंगे ना पूरा बढ़िया से, लॉगरिदम करेंगे एकदम पूरा, बहुत बढ़िया लेक्चर, बहुत सारा लेक्चर करेंगे, डिटेल्ड में लॉग पढ़ेंगे, ठीक है ना, ध्यान से दीजिए। इसको बात करते हैं अब इसका, तो लॉग एम बेस में क्या है, ए का पावर एक्स है, तो जो पावर है ना, देखिए ध्यान से, ए का पावर एक्स, यहाँ पर एक्स में बीटा लेते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्स पावर, ए का पावर बीटा लेते हैं, ठीक है ना, या फिर यहाँ पर एक्स ही रखते हैं, चलिए तो इसको यहाँ पर चेंज कर देते हैं, 1/x हो जाएगा यहाँ पर। ये जो पावर होता है ना, पावर उठ करके यहाँ पर आ जाता है, ठीक है ना, क्या होता है, पावर उठ करके यहाँ पर आ जाता है, ये जो log m ए का पावर x है, तो x को पावर ऊपर उठ के यहाँ पर जाएगा, तो log m वैसे रहेगा, बेस जो रहेगा वैसे रह जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, सिंपल सा बात है। इधर देखते हैं, log m बेस a है, तो इसको क्या कर सकते हैं, log m by log b, log m by log a लिख सकते हैं, लेकिन बेस दोनों का कोई भी अपने मन से सेम ले सकते हैं, कुछ भी बेस ले सकते हैं, सेम ले सकते हैं, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। ये सब प्रॉपर्टीज सब यूज होगा इनइक्वालिटीज में, इसलिए बता रहे हैं, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज देखिए, लॉग एम बेस ए है, तो इसको अगर हम वन बाई करते हैं तो इन प्रॉपर्टीज जो कहता है, बेस और ये होता है चेंज जाएगा, ठीक है ना, लॉग ए बेस एम हो जाएगा, सिंपल सा बात है। फिर इधर क्या है, ए लॉग ए एक्स है, ए का पावर लॉग ए एक्स है, तो ए का पावर लॉग ए है, तो ये वाला क्या होता है, क्वांटिटी हमको वन बना देता है, और बच्चा क्या, एक्स एक्स जो होता है यहाँ पर आ जाता है, ठीक है ना, फिर बात सिंपल सा बात है, डरने की जरूरत नहीं है, सिंपल बात है। ए लॉग बी बेस सी है, ये सब प्रूफ भी दिखाएंगे कैसे प्रूफ होता है, ये सब लॉगरिदम फंक्शन में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, लॉगरिदम पर पढ़ना है। तो ए लॉग बी बेस ए लॉग सी बेस बी है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इन्वर्ट कर सकते हैं, सी को यहाँ रख सकते हैं, लॉग
ए बेस बी कर सकते हैं, ठीक है। ये सब लॉगरिथम का क्या है, प्रॉपर्टीज है। अब आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे, किस पे आते हैं, अब डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। ग्राफ पढ़ लिए, लॉगरिथम का प्रॉपर्टीज पढ़ लिए, अब किस पे क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है ना, लॉगरिथम का क्वेश्चन पे। चलिए इसको नोट कर लिए, नोट कर लिए, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन लेते हैं, पहला क्या लेते हैं, चलिए लेते हैं log x बेस 4 इज इक्वल टू 2, फाइंड x, क्वेश्चन है फाइंड x, तो x का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर से सॉल्यूशन निकालते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन में, देखिए क्या करते हैं, log x बेस, देखिए अब ध्यान से देखिए क्या करते हैं, जब भी हम इसको सॉल्व करना होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू निकालना है मेरे को, तो ये जो वैल्यू को निकालना, तो ये जो होता है ना, ये हट के जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा, ये जो पावर एंड बेस है ना, बेस जाएगा उसका पावर बन जाएगा, 2 to the power 4 बन जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 to the power 4 मतलब 16। ये कैसे हुआ, कैसे हुआ, देखिए सर दिखाते हैं, देखिए कैसे लिखा देते क्या करते हैं इसको, इसको देखिए देखिए ध्यान से देखिए, लॉग बेस 4 है, यहाँ x है, इसको देखिए ध्यान से देखिए क्या करते हैं हम इसको, इसको क्या करते हैं, log बेस 4 करते हैं 2 to the power 4 कर सकते हैं, ध्यान से देखिए कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, देखिए कैसे, यहाँ पर 2 बेस 2 करते हैं, 2 का स्क्वायर करते हैं, इधर 4 इधर वापस लाएंगे, तो ऐसे करने से अच्छा डायरेक्ट इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, log 4 बेस 2 to the power 4 लिख सकते हैं ना, तो यहाँ से हमको क्या जाएगा, x इज इक्वल टू 2 to the power 4 मिल जाएगा, मतलब यहाँ क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 16 मिल जाएगा, है ना प्रॉपर्टीज में, आसानी से ना, है ना, आसानी से कर सकते हैं, ईजी है। चलिए और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन दिखाते हैं, इससे भी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं, देखिए log x माइनस 2 बेस 3 इज इक्वल टू 9, log x माइनस 3 बेस 3 इज इक्वल टू 3 देते हैं, ठीक है ना। चलिए क्या हो गया, देखिए तो x का वैल्यू निकालना, तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, x का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, देखिए तो यहाँ से x माइनस 2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, 3 का पावर क्या हो जाएगा, 3 का पावर क्यूब है ना, 3 का पावर क्यूब हो जाएगा, कैसे 3 ऊपर चल जाएगा, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या जाएगा, 3 ऊपर 2 मतलब 27, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या जाएगा, x इज इक्वल टू 29। तो ये बात था सिंपल वाला लॉगरिथम का बात था ये, ठीक है। ये सब क्या इक्वालिटीज़ है, अब आते हैं इनइक्वालिटीज़ में, अब किस में आते हैं इनइक्वालिटीज़ में, ठीक है ना। एक और इक्वालिटी करके दिखाते हैं, चलिए एक और इक्वालिटी करके दिखाते हैं, कुछ बढ़िया लेते हैं, हाँ, लॉग एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू बेस में यहाँ लेते हैं 2, यहाँ लेते हैं 4, यहाँ प्लस लेते हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा x प्लस 3 यहाँ बचेगा, है ना, ये ऊपर चलेगा, तो मतलब इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर मतलब 16, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13, है ना, सिंपल से बात है। ये सब इक्वालिटीज़ है, अब हम बात करते हैं इनइक्वालिटीज़ का, किसका बात करते हैं इनइक्वालिटीज़ का, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, सो नोट कीजिए, अब आते हैं थोड़ा लेवल हाई करते हैं, ठीक है, अब लेवल बढ़ाते हैं, बेसिक से स्टार्ट किया, अब लेवल बढ़ाते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं, जब करते हैं, चलिए तो अब चलिए हम कुछ अच्छे इक्वालिटी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लॉगरिथम इनइक्वालिटीज़ का, ठीक है ना, इक्वालिटीज़ का सॉल्व करते हैं, मतलब y इज इक्वल टू इतना है, ठीक है ना, ये हमारा एक क्वेश्चन दे दिया, ठीक है ना, इसे बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमको क्या फाइंड करना, x का वैल्यू फाइंड करना, तो यहाँ पर तो कोई इक्वालिटीज़ नज़र नहीं आ रहा, इनइक्वालिटीज़ नज़र नहीं आ रहा कि ग्रेटर देन जीरो दिया, इक्वल टू जीरो दिया, कुछ तो हमको दिया ही नहीं है, हमको सिर्फ ऐसा दे दिया, अब ऐसा हम दे दिया, अब करें क्या, तो इसमें कुछ करना नहीं, घबराना नहीं है, बस हमको अपना प्रॉपर्टीज़ याद रखना, क्या कि लॉग का जो ये चीज़ है, ये कभी हम लोग का क्या नहीं हो सकता, ग्रेटर देन इक्वल, मतलब क्या नहीं हो सकता, मतलब हमेशा जीरो नहीं हो सकता और वन नहीं हो सकता, ठीक है ना, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24, ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा,
हाँ ग्रेटर देन जीरो होगा और वन का बराबर नहीं हो सकता, ठीक है ना, ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है, वेरी गुड। इसको अगर फैक्टराइज करते केस वन, ये क्या है केस वन, ठीक है ना, केस वन, ठीक है ना। तो देखिए इसको अगर ये फैक्टराइज करें तो क्या हो जाएगा, छः पाँच नहीं होगा, सात चार, सात चार छः दो, नौ दो आठ तीन, हाँ आठ तीन हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस ट्वेंटी फोर ग्रेटर देन जीरो होगा ना, जीरो के बराबर तो नहीं ले सकते इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लिए, ध्यान से देखिए। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस एट, यहाँ पर क्या होगा माइनस थ्री कॉमन लेंगे तो x माइनस एट ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ से क्या मिलेगा x माइनस थ्री एक्स माइनस एट ग्रेटर देन जीरो, ये हमारा ठहरा इनइक्वालिटीज आया, आया ना, ये हमारा इनइक्वालिटीज आया, ठीक है। ये हमारा किस में आया, केस वन में आया, ठीक है, बहुत अच्छा। अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं केस टू, केस टू क्या होता है, केस टू देखिए, केस टू में क्या हुआ, केस टू में बोल रहा ये चीज जो है ये वाला बेस, बेस भी कभी हम लोग जीरो नहीं ले सकते, जीरो से बड़ा लेंगे और वन हम हो नहीं सकता, मतलब एक्स माइनस फोर क्या नहीं हो सकता, ग्रेटर देन जीरो होगा तो एक्स का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन फोर होगा, होगा ना। यहाँ से ये क्या रहा केस, ये कौन सा केस आ रहा, ये केस टू आ रहा। अब सोचिए, अब सोचिए वेवी कर्व बनाने की कोशिश करते हैं, क्या करते हैं वेवी कर्व बनाते हैं, ध्यान से देखिए वेवी कर्व बनाते हैं, क्या बोल रहा, एक तो थ्री आएगा एक एट आएगा, दो दो पॉइंट आएगा थ्री और एक एट आएगा, ठीक है ना। चलिए एक क्या आएगा फोर आएगा, एक क्या आएगा फोर भी आएगा, इधर बनाते वेवी कर्व, इधर नहीं बनाते जगह नहीं, इधर बनाते हैं, इधर ध्यान से देखिए, यहाँ से देखिए इसको दो तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, दो तरीका सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। पहला तरीका अगर सॉल्व करने का तरीका क्या, पहला तरीका सॉल्व करने का, देखिए पहला तरीका सॉल्व करने का, तो हम तीनों को पॉइंट निकालते हैं, यहाँ से निकालेंगे तो थ्री निकलेगा, यहाँ से निकालेंगे एट निकलेगा, तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, मतलब एक्स माइनस थ्री इज ग्रेटर देन एट, मतलब क्या बोल सकते हैं यहाँ पर से, यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं पहला को, पहला को बोल सकते हैं एक्स माइनस थ्री इज ग्रेटर देन जीरो, तो क्या बोल सकते हैं एक्स इज ग्रेटर देन थ्री, एक पॉइंट आएगा, है ना। दूसरा पॉइंट क्या आएगा, एक्स माइनस एट इज ग्रेटर देन जीरो, तो एक्स इज ग्रेटर देन एट, एक्स इज ग्रेटर देन एट, दूसरा पॉइंट आएगा, दो टा पॉइंट आया, तो ध्यान से देखिए क्या कर सकते हैं, पॉइंट प्लॉट करते हैं थ्री एट और फोर, प्लॉट करते हैं थ्री एट और फोर, ये ठहरा हमारा थ्री, ये ठहरा हमारा फोर, ये ठहरा हमारा एट, ठीक है ना। इधर हो गया माइनस इन्फिनिटी, इधर हो गया बढ़िया से लिखते हैं, ये हमारा हुआ प्लस इन्फिनिटी, ठीक है ना, ध्यान से देखिए बढ़िया से लिखते हैं इसको। इनइक्वालिटीज का सवाल है, बहुत हलवा हलवा सवाल रहता है, ध्यान से देखिए। अब क्या बात करते हैं, बात करते हैं पॉइंट को प्लॉट करें, क्या बोल रहा है एक्स का वैल्यू तीन से ज़्यादा होना चाहिए, ये बोल रहा है। अब बिडिंग चलेगा, क्या चलेगा, अब बिडिंग चलेगा, ठीक है ना, अब मतलब नीलामी होगा, ये बोले हाँ एक्स हम तीन से ज़्यादा, चलो इसका बात लेते हैं, तीन से ज़्यादा मतलब ओपन ब्रैकेट पहले यहाँ पर है ना, देखिए इक्वल टू नहीं है तो ओपन ब्रैकेट, तीन से ज़्यादा जाएगा, बोले चलो तीन से ज़्यादा हम जाएंगे इन्फिनिटी तक, ये अपना बोली लगा दिया तीन से ज़्यादा, है ना, बोली लगा लिया। अब बारी आया किसका बोली लगाने का, इसका बोली लगाना, ये बोलता है हम आठ से ज़्यादा जाएंगे, ये बोलता है हम आठ से ज़्यादा जाएंगे, तो आठ में ओपन ब्रैकेट है ना, आठ में ओपन ब्रैकेट है, क्या बोला हम आठ से ज़्यादा जाएंगे, चलो ये बोला चलो हम आठ से ज़्यादा जाएंगे, बहुत अच्छा, दोनों का अपना अपना बोली लगा दिया। ये आया बीच में बोलता है हम चार से ही ज़्यादा जाएंगे, ए वाह भाई चार से ज़्यादा जाएगा, तो ये चार भी ओपन ब्रैकेट क्योंकि इसे, तो ये बोला हम चार से ही ज़्यादा जाएंगे, चलिए ठीक है। अब मेरे को ये बताइए सबसे ज़्यादा बोली किसका लगा, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसका है बोली लगाने का, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसका है, यहाँ का ये वाला घर का, किसका ये वाला घर का, है ना, ध्यान से देखिए। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से, आठ से इन्फिनिटी तक, बात समझ में, ओपन ब्रैकेट क्योंकि ओपन सर्कल है, ठीक है ना, इसलिए ओपन ब्रैकेट, ये ठहरा हमारा आंसर एक्स का, समझ में आ रहा बात, कितना इजी तरीका था, इजी तरीका था ना, सिंपल था क्वेश्चंस, कुछ दम था इसमें नहीं था ना, चलिए इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट हो गया, रब करें, चलिए रब करते हैं। आइए ये क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा अच्छा क्वालिटी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन में आता है, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, क्या दिया, एफ एक्स इज इक्वल टू थ्री अपॉन
रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब माइनस एक्स। यहाँ इसका बेस नहीं दिया, इसका बेस क्या होगा बताइए तो, इसका बेस कुछ नहीं दिया, मतलब इसका बेस क्या ई है, ठीक है ना, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बेस क्या ई, ई का वैल्यू क्या होता है 2 पॉइंट समथिंग होता है, ठीक है ना, 1 से बड़ा है, ठीक है, समझ में आ रहा। तो देखिए एफ एक्स मतलब क्या, एफ एक्स को ही हम लोग वाई बोलते हैं, ठीक है ना, जानने की बात नहीं है, ठीक है, ये सब कुछ करना नहीं है। अब हमको सिर्फ कंडीशन देखना है, अब ये कंडीशन दो केस बनेगा इसका, एक ये इरेशनल इनक्वालिटीज आ रहा है, एक लॉगरिथम इनक्वालिटीज। तो यहाँ पर जो सवाल बना वो लॉगरिथम और इरेशनल दोनों मिला के बना गया, ठीक है ना, मतलब थोड़ा अच्छा लेवल का सवाल बना इसलिए दोनों को मिला के बना गया। तो चलिए पहले केस वन का बात करते हैं, पहला केस सॉल्व करते हैं, तो केस वन का बात करते हैं। केस वन में किसको बात करें, पहले लॉगरिथम का बात करें, पहले इसका बात करते हैं। ध्यान से देखिए क्या बात हो सकता है। देखिए सबसे पहला बात कि नीचे में हम लोग जीरो नहीं ले सकते, मतलब रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन जीरो, जीरो तो ले नहीं सकते, जीरो से बड़ा होना चाहिए। चलिए ठीक है, अगर ऐसा बात है ग्रेटर देन जीरो है तब क्या करें बताइए। अगर ग्रेटर देन जीरो स्क्वायरिंग करते हैं तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर जो होगा ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, मतलब 4 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, ठीक है, बहुत अच्छा, ये भी बहुत अच्छा बात है ना। तो अब यहाँ से क्या मिल सकता है हमको, इधर ही लिखते हैं, क्यों जगह बर्बाद करें। तो x इज मतलब यहाँ से क्या होता है, x इज लेस देन 4 बोल सकते हैं, रूट प्लस माइनस टू बोल सकते हैं ना, यहाँ से बोल सकते हैं ना, x इज लेस देन प्लस माइनस टू, मतलब x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, x बिलोंग्स टू माइनस टू से प्लस टू, ओपन ब्रैकेट, पहला चीज मिला हमको, ठीक है, ये पहला केस मिला, ये हमको क्या मिला, पहला केस मिला है ना, पहला केस मिल गया, चलिए बहुत अच्छा। कैसे पता चलेगा हमको, कैसे पता चला इस पहला केस मिल गया, देखिए कैसे पता करते, देखिए क्या करें इसको और भी अच्छा तरीका सॉल्व कर सकते हैं, देखिएगा कैसे सॉल्व करें, देखिएगा कैसे, देखिए चलिए इधर दिखाते सॉल्व करके, देखिए बढ़िया से, तो आपको सीखना है, क्या करना, सीखना है। देखिए इसको बचा, क्या बचा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो है, क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, साइन के पलट जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन जीरो, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, पहले ऐसा था ना, 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो था, ऐसे था, अब माइनस कॉमन लिए तो ऐसे बदलिए, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू कर सकते हैं इज लेस देन जीरो, कैसे किए, 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला में, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आया, खटका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, समझ में है ना। तब क्या करते हैं, ये क्या बन गया, ये इनक्वालिटीज बन गया ना, इनक्वालिटीज में क्या करेंगे, विविकर बनाएंगे, विविकर में क्या है, एक देगा माइनस टू एक देगा प्लस टू, इधर इन्फिनिटी और इधर माइनस इन्फिनिटी, साइन क्या करें प्लस माइनस प्लस, ये विविकर बनेगा ऐसे, कौन सा साइन लेना, माइनस वाला साइन लेना, कौन सा साइन, माइनस वाला, क्योंकि क्या है लेस देन है, तो माइनस वाला साइन मतलब एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा माइनस टू से प्लस टू, ओके, ओपन ब्रैकेट, आया ना, सेम चीज़ आया ना, है ना, कितना इजी चीज़ आया, सेम चीज़ आया। तो ये तो ठहरा हमारा एक वैल्यू आया हमारा केस वन से, केस वन से क्या वैल्यू आया इधर लिख लेते हैं, केस वन से आया हम लोग का एक्स बिलोंग्स टू माइनस टू से प्लस टू, चलिए बहुत अच्छा, ये ठहरा हमारा केस वन का आंसर। इसको नोट कीजिए पहले, इसको नोट कीजिए, अब हम लोग केस टू का डील करेंगे, इसको नोट कर लिए, हो गया नोट, चलिए बहुत अच्छा, अब केस टू का डील करते हैं। केस टू का बात करते हैं, केस टू में क्या है, लॉग के अंदर में जो ये जो वैल्यू है क्या है, लॉग के अंदर एक्स क्यूब माइनस एक्स है, क्या केस टू का बात करते हैं इधर, ये ठहरा हमारा केस टू, लॉग के अंदर जो वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब समझ में आ रहा है ना बात, हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, तो इसका वैल्यू होगा ग्रेटर देन जीरो, तो मतलब क्या हो सकता है, इसको एक्स कॉमन लेते तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, इसमें से एक्स कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो गया। ध्यान से देखिए वन का स्क्वायर हम लगा सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला में, तो स्क्वायर बढ़िया से तोड़ सकते हैं, एक्स को एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन लिख सकते हैं,
इज ग्रेटर देन जीरो, ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला में, ये फिर हमारा एक इनइक्वालिटीज बना ना, इक्वालिटी मतलब बना ना इनइक्वालिटीज, इसको फिर से हम वेविकर मेथड से तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे वेविकर मेथड से, ध्यान से देखिए, इल बना यू वेविकर बनाए ना वेविकर, यहां से हम लोग क्या ले सकते हैं, एक आएगा माइनस वन, यहां से आएगा हमारा जीरो, बता चुके ये सब सवाल कैसे बनाना, यहां से आएगा हम लोग का, यहां से आएगा हम लोग का प्लस वन, इधर तो इन्फिनिटी और इधर माइनस इन्फिनिटी, सबका पावर वन है तो प्लस माइनस प्लस माइनस, क्या लेना है प्लस वाला घर, कौन सा घर लेना, प्लस वाला घर, कौन सा घर लेना, प्लस वाला घर। तो यहां से हमको एक्स का वैल्यू क्या मिल रहा, एक्स बिलोंग्स टू प्लस वाला घर, मतलब माइनस वन से जीरो, माइनस वन से जीरो, यहां पे इक्वल टू कहीं ना, मतलब सब जगह क्या है ओपन सर्कल, क्या है ओपन सर्कल, ठीक है ना, इक्वलिटी तो नहीं है ना, इसीलिए तो माइनस वन से जीरो मिलेगा, एक्स इक्वल एक्स बिलोंग्स टू कहां, माइनस वन से जीरो ओपन सर्कल, यूनियन कहां से कहां तक, वन से इन्फिनिटी तक, वन से इन्फिनिटी तक ओपन सर्कल। ये ठहरा हमारा क्लास मतलब केस टू का वैल्यू, केस वन का है ये, केस टू का है ये। सो फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर क्या होगा बताइए, फाइनल आंसर क्या होगा, सो फाइनल डोमेन विल बी, सो फाइनल एक्स, फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स विल बी क्या होगा बताइए, तो केस वन इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन केस टू, केस वन में जो एक्स का वैल्यू आया उसका इंटरसेक्शन केस टू करेंगे, ठीक है ना। तो केस वन में क्या आ रहा, माइनस वन से जीरो, वन से इन्फिनिटी, ठीक है ना। ये क्या बोल रहा, हम सिर्फ माइनस टू से टू के बीच में मानते हैं, माइनस टू से अगर हम स्टार्ट करते हैं, माइनस टू के बाद आता है माइनस वन, तो माइनस वन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, चलिए ठीक है, देखिए देखिए समझते, देखिए कैसे हो रहा, ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं दोनों का, इंटरसेक्शन का ग्राफ बनाते हैं, दोनों को इंटरसेक्शन का ग्राफ बनाते हैं, देखिए समझते इस बात को। अच्छा पहले इसको नोट कर लीजिए, तो नोट कर लिए, नोट कर लिए, चलिए हम देखते हैं। देखिए क्या करते हैं हम, ध्यान से देखिए, अब हम दोनों को इंटरसेक्शन करते हैं, दोनों को इंटरसेक्शन करके पॉइंट पहले प्लॉट करते हैं। देखिए ध्यान से देखिए कैसे प्लॉट करना, सबसे पहले सबसे छोटा पॉइंट ये क्या, माइनस वन जीरो वन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पुट नहीं करना, माइनस वन जीरो वन माइनस टू टू, तो सबसे पहले इधर पुट करेंगे माइनस टू, ठीक है, इसके बगल में माइनस वन, इसके बगल में जीरो, इसके बगल में वन और इसके बगल में टू, ठीक है ना, इधर ठहरा माइनस इन्फिनिटी, इधर ठहरा प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। देखिए अब हम बात करते हैं ग्राफ का, देखिए क्या होता है, ये बोल रहा है एक्स कि हम माइनस वन से जीरो के बीच में जाएंगे, क्या बोल रहा है, माइनस वन से जीरो के बीच में, तो माइनस वन कहाँ, यहाँ ओपन ब्रैकेट है ना, जीरो भी ओपन है, बोल रहा हम यहाँ से ये घर जाएंगे, ये क्या बोल रहा है, माइनस वन से जीरो जाएंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करें जर्नी और यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, दूसरा कुछ चौक से लेते हैं, यहाँ से बोल रहा हम यहाँ से जर्नी स्टार्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, ठीक है, बोल रहा और साथ साथ यूनियन मतलब और साथ साथ वन से स्टार्ट करेंगे इन्फिनिटी जाएंगे, मतलब वन से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से इन्फिनिटी तक जाएंगे, ठीक है ना। ये बोला कौन, ये वाला बात बोला, ये बोला, ठीक है, बहुत अच्छा बात बोला, अच्छा बात बोला। अब बोलता है कि हम केस वन क्या बोलता है कि हम माइनस टू से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और अपना गाड़ी प्लस टू तक दौड़ाएंगे, कहाँ तक, प्लस टू तक दौड़ाएंगे, कहाँ तक, प्लस टू तक, यहाँ तक। सोचिए ये माइनस टू से प्लस टू तक दौड़ाया, ये माइनस वन से जीरो जा रहा है, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है। अब देखिए, अब देखते, अब आया हमारा देखने वाला काम, कौन कौन जगह में दोनों गाड़ी दौड़ाया, कौन कौन जगह में दोनों अपना अपना मतलब कब्जा जमाया, कौन कौन सा जगह में, ये जगह में, इस जगह में दोनों मिलकर अपना कब्जा जमाया और इस जगह में, इस जगह में दोनों मिलकर अपना कब्जा बनाया, जमाया, ध्यान से देखिए, ये दोनों केस वन और केस टू दोनों मतलब इंटरसेक्शन ऐसे निकालते हैं, इंटरसेक्शन मतलब दोनों को इंटरसेक्ट करना, काटना, कौन जगह में दोनों काटा, ये दोनों जगह में काटा। तो बताइए एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है, तो आराम से आप लोग एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, अब इसको रब कर दें, चलिए इसको रब करते हैं, ध्यान से देखिए अब क्या हो गया, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, माइनस वन से इन्फिनिटी, माइनस वन से जीरो, माइनस वन से जीरो, ओपन ब्रैकेट है ना, हाँ ओपन ब्रैकेट है, यूनियन कहाँ से, वन से टू, कहाँ से, वन से टू, ये ठहरा हमारा फाइनल आंसर, ये ठहरा फाइनल
आंसर। देख रहे एकदम वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, देख रहे हैं कहां से ये ऑप्शन था, कहां से वो था, अब आपको मिलेगा ये ऑप्शन, मिलेगा ये ऑप्शन, मिलेगा ये ऑप्शन, और तीसरा ऑप्शन में क्या मिलेगा, चौथा ऑप्शन में क्या मिलेगा, ये ऑप्शन के साथ में ये ऑप्शन यूनियन कर देगा या फिर नन ऑफ दिस दे देगा। अब कंफ्यूज होते रहिए क्या मारे क्या मारे क्या मारे, नहीं तो लास्ट में क्या देगा, ऑल ऑफ दिस दे देगा। पहला ऑप्शन ये दे देगा, दूसरा ऑप्शन ये दे देगा, तीसरा ऑप्शन ये दे देगा, और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दिस दे देगा। आप ज़्यादा होशियार होंगे तो ऑल ऑफ दिस मार के आइएगा, और कम होशियार होंगे तो ये सब मतलब कम होशियार होंगे मतलब नहीं पढ़ गए होंगे तो ये दोनों मार के आइएगा। अगर आप समझदार होंगे बढ़िया से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो आंसर ये मार के आइएगा। समझने वाला बात, कितना मतलब अच्छा क्वेश्चन है क्वालिटी का, समझने वाला बात कितना अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको नोट कीजिए और भी थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी क्वेश्चन देते हैं, नोट कीजिए इसको, नोट किए, नोट कर लिए, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का क्वेश्चन लेके आए, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा, ये क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ log x माइनस वन बेस फोर इज इक्वल टू log x माइनस थ्री बेस टू इज और आर। देखिए क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन समझने की कोशिश, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन मीन्स हाउ मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट, हाउ मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन मीन्स हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, मतलब हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ x सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशंस, वो कितना होगा, एक दो तीन चार इज यार, मतलब एक हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है। ये ऑप्शन दिया हुआ है, चार ऑप्शन दिया हुआ है, चार में से कौन सा ऑप्शन सही है इसे सॉल्व करके फिर हम आंसर लाएंगे कौन सा सही है, ठीक है। तो पहले सॉल्व करते हैं इसको, पहले सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लग रहा है हमको, क्वेश्चन देख के अच्छा लग रहा है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन को उतारते हैं, क्या है log x माइनस वन बेस फोर इज इक्वल टू लॉग टू एक्स माइनस थ्री। सॉल्व इसको कैसे करेंगे सोचिए, सबसे पहले बेस सेम करने की कोशिश करते हैं, चलिए बेस सेम करते हैं, इसका बेस सेम कैसे हो सकता है बताइए, तो लॉग टू का स्क्वायर कर दें, टू का स्क्वायर, फोर को हम लोग टू का स्क्वायर कर सकते हैं, यहाँ पर एक्स माइनस वन रखते हैं इज इक्वल टू लॉग बेस टू ही रखते हैं, एक्स माइनस थ्री रख सकते हैं, सही है ना। ध्यान से देखिए 2 का स्क्वायर है, हम अभी प्रॉपर्टी बताए थे एक log x का पावर a, यहाँ पर मान लीजिए 1 है, मान लीजिए मतलब यहाँ पर मान लीजिए y है, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता, तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, ये जो पावर है क्या होता है, बाय में चल जाता है, 1 बाई ए हो जाता है, log बेस x और y रहता है, ऐसे बताया था ना अभी, आइए बताते हैं ये पावर क्या होता है, 1 बाई वाई, 1 बाई ए में चल जाता है, तो ये पावर क्या होगा, 1 बाई में चला जाएगा, मतलब क्या जाएगा, 1 बाई टू log बेस 2 x माइनस वन, ये हो जाएगा ना इस प्रॉपर्टी के हिसाब से, इसके हिसाब से, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से, है ना। ध्यान से देखिए नजर आ रहा ना, इधर इधर मैं ऐसे ही रखते हैं log x माइनस थ्री बेस टू, ऐसे ही रखते हैं, उसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना, समझ में आ रहा बात कैसा है, ठीक है। ध्यान से देखिए अब करें तो करें क्या, अब सोचिए सोचिए क्या करें, टू को उधर लेके जाते हैं, टू को उधर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर लेके आते हैं log बेस टू है ना, x माइनस वन है ऐसे ही, इज इक्वल टू टू इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, इधर टू डिवाइड में तो टू मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर टू इन टू क्या हो जाएगा, log बेस टू x माइनस थ्री, है ना। ध्यान से देखिए ये चीज़ होगा, ये बस हम सॉल्व कर रहे हैं, लॉगरिथम को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, ये सब बहुत क्वेश्चन कराएंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, ठीक है, ध्यान से देखिए। अब क्या कहते हैं, टू को हम इसको इधर लेकर आते थे, आराम से ला सकते हैं ना, देखिए क्या था, एक तो एक और प्रॉपर्टी था जो हम आप लोगों को दिखाते, कैसा प्रॉपर्टी था वो, क्या था, एक्स लॉग ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं लोग, बेस ई मान लीजिए, क्या तो लॉग बेस ई रहने देते, ए का पावर एक्स लिख सकते हैं ना, इधर था तो पावर उसमें ला सकते हैं, पावर है तो इधर ला सकते हैं, समझ आ रहा है, ये प्रॉपर्टी याद आया ना, ये प्रॉपर्टी ध्यान से देखिए, प्रॉपर्टी लिखवाए थे, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, टू को उधर लेके जा सकते हैं, मतलब देखिए थे लॉग बेस टू ही रहने देते हैं, एक्स माइनस वन ही रहने देते हैं, ऐसे इधर देखते हैं टू चल जाएगा पूरा पावर इधर में, मतलब लॉग बेस टू एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर, समझ में आ रहा बात,
ये टू क्या चलेगा उसको ऊपर चला जाएगा इस प्रॉपर्टी के हिसाब से। समझ में आ रहा बात कैसा है? मस्त है ना लॉग? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लॉग, बहुत लॉगरिथम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत अच्छा चीज़ है। अब क्या करते हैं देखिए, बेस सेम इसको कैंसिल कर लेते हैं। कैंसिल नहीं होता मतलब बता दे रहे, यहाँ से हम लोग को ये और ये इक्वल मिल जाता है। क्या मिल जाता है? एक्स माइनस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर। ये चीज़ हमको देखने मिल जाएगा है ना, यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करते क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्स एक्स। तोड़ दिए उसको, ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अब क्या करते हैं, एक तरफ में लेके चले जाते, क्या हो जाता हो जाएगा एक्स स्क्वायर, उधर लेके जाते एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस सेवन एक्स हो जाएगा इधर प्लस टेन इज इक्वल टू ज़ीरो। यह आएगा हमारा इक्वेशन, इक्वेशन आएगा सॉल्व करके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इसको मिडिल टर्म फैक्टर में आराम से हम लोग कर सकते हैं है ना, मिडिल टर्म फैक्टर में बहुत इजीली कर सकते हैं। चलिए मिडिल टर्म फैक्टर में करते, इसको नोट कर लिए, इसको बढ़िया से नोट कर लिए ना। चलिए अब देखिए क्या करते हैं, इसको करते हैं इधर। तो एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस टेन इज इक्वल टू जीरो, तो माइनस सेवन एक्स को क्या ले सकते हैं फाइव प्लस टू, तो इसको बढ़िया से यहाँ से यहीं पर कर लेते। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस टू एक्स प्लस टेन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, आराम से कर सकते हैं। यहाँ से एक्स कॉमन लिए तो एक्स माइनस फाइव, यहाँ पर क्या माइनस टू कॉमन लिए तो एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स माइनस टू एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। आया समझ में बात? बस ये तो सिंपल चीज़ है, आया। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा टू हो जाएगा, या इसके जीरो करके बराबर में इधर, या फिर एक्स इक्वल टू फाइव हो जाएगा, तो डबल ही मिलेगा, मिलेगा ना। अब सोचिए, पूछा क्वेश्चन क्या पूछा, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लॉग इतना इज आर, कितना सॉल्यूशन आया दो ठो, कितना सॉल्यूशन है दो सॉल्यूशन, तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा दो, क्या होना चाहिए दो होना चाहिए ना, लेकिन नहीं ये काम नहीं करना है, समझ रहे बात, ऐसे नहीं देना है सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन मतलब ऐसे नहीं, अब जोड़ के भी नहीं देना कि अब फाइव प्लस टू सेवन, ऐसे नहीं कुछ करना है। देखिए ध्यान से, अब हम पहले सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करवाएंगे, क्या कराएंगे सेटिस्फाई करें, पहले फाइव को सेटिस्फाई कराते हैं, फाइव का वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, तो फाइव माइनस वन क्या जाता है फोर, चलिए मतलब फाइव माइनस वन क्या फोर, यहाँ पर क्या जाता है फोर, मतलब वन से बड़ा है, मतलब जीरो से बड़ा है वन नहीं है, जीरो से बड़ा है और वन नहीं है, चलिए ठीक है, फोर तो जीरो से बड़ा है वन नहीं है, चलिए ठीक है बहुत अच्छा। यहाँ फाइव जाता है फाइव माइनस थ्री क्या हो गया टू, फाइव माइनस थ्री टू, हाँ ये भी सही है, जीरो से बड़ा है और वन नहीं है, बहुत अच्छा। लेकिन अब टू को रखते हैं, टू को यहाँ रखें तो टू माइनस वन क्या हो जाएगा वन, जीरो से बड़ा लेकिन आ गया क्या वन, जिसके वजह से हम लोग इसको कंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग टू को हम एक्स के वैल्यू पर नहीं रख सकते, समझ में आ रहा बात। और यहाँ पर अगर हम टू रखें तो टू माइनस थ्री क्या हो जाएगा माइनस वन, तो यहाँ तो ऑलरेडी और नेगेटिव चल जाएगा, जीरो से छोटा हो जाएगा, तो हम लोग रख ही नहीं सकते इसको, मतलब ये इक्वेशन को हम लोग नहीं ले सकते, सिर्फ किसको हम रख सकते हैं फाइव को, मतलब टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा एक आएगा, कितना आएगा एक, समझ में आ रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन का लेवल देख रहे हैं, मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अब आदमी लोग सब क्वेश्चन सॉल्व कर लिया एकदम जोश में, आठ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, चलो दो मार दिए सर, एग्जाम में आए मतलब आहा करके आए, क्वेश्चन करके आए कितना अच्छा करके आए, बाद में पता चल रहा रे तेरी गलती कर दी, सिली मिस्टेक। सोच रहे बी कूल एंड सॉल्व क्वाइटली एंड कूल, मतलब कूल मतलब पूरा कूल होकर सॉल्व करना है, ठीक है ना, समझ रहे बात, क्वेश्चन को मतलब बढ़िया से अटेंड करना है, बढ़िया से क्वेश्चन पढ़ना है, बढ़िया से सब चीज़ सेटिस्फाई करा के लगाना है, यही तो बात है इनइक्वालिटीज़ का, समझ रहे बात, ठीक है। तो इस लेक्चर को अब हम यहीं पर एंड करते हैं, ज़्यादा देर और एक्सटेंड नहीं करना चाहते, क्योंकि हम धीरे धीरे करके फिर हम इसका लॉगरिथम को ऑलरेडी हम बहुत बड़ा लेक्चर बनाने वाले हैं, इसीलिए इसको अभी हम बस इनइक्वालिटी का जो इनइक्वालिटी का काम बस वही इनइक्वालिटी बता दें, ठीक है, तब तक के लिए अलविदा।